नमस्कार दोस्तों मैं हूं तिलक और स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो के साथ अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो यह है रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 जिसे कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है इस बाइक में कंपनी ने बहुत सारे नए नए बदलाव किए हैं बहुत सारे फीचर्स अपडेट हुए हैं माइलेज कितना देती है टॉप स्पीड कितने तक जाती है और इसके स्पेसिफिकेशन क्या है नई डिटेल में ऑन रोड कीमत क्या है ये सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ कितने कलर ऑप्शन के साथ आती है इसमें आपको कितना वेरियंट मिलता है ये सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके की के साथ तो यहाँ पे आप इसका की का सेटअप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है कंपनी ने अब आपको इसमें वेब की दी है जबकि पहले आपको नॉर्मल की मिलता था रॉयल इनफील्ड की यहाँ पे आप ब्रांडिंग देख सकते हो तो अब मैं इसे लगा देता हूँ और चलते हैं इसके फ्यूल टैंक की ओर तो यहाँ पे आप देख सकते हो रॉयल इनफील्ड की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है रेड कलर के साथ और अंदर में यहाँ पे आपको गोल्डन कलर देखने को मिल जाते हैं जो कि इस बाइक के लुक को काफी प्रीमियम बना रही है साइड से यहाँ पे आप देख सकते हो तो काफी खूबसूरत आपको क्रोम की टच देखने को मिल जाती है बाकी दोस्तों यहाँ पे आप जो गोल्डन कलर वाला लाइन देख रहे हो ये आपको मेडेड देखने को मिल जाता है इसके कारीगर ने इसे अपने हाथों से बनाया है तेरह लीटर की आपको कैपेसिटी मिल जाती है और जैसा कि ये का लेटेस्ट वाला मॉडल है तो पे आप देख सकते हो ई ट्वेंटी स्टीकर वर्क मिल जाती है मतलब कि आप आप इसमें 20 इथेनॉल वाला भी फ्यूल फ्यूल डलवा सकते सकते हो हो टैंक कैप पे देख क्रोम के फिनिश के साथ और काफी खूबसूरत यहाँ पे आपको इसकी पेंट की क्वालिटी देखने को मिल जाती है जिसमें आपको एक अलग से साइन भी मिलता है क्लच आपको मीडियम सॉफ्ट टाइप का दिया गया है कंसोल को सेट रीसेट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फो का आपको बटन दिया गया है जिससे कि आप कंसोल को सेट रीसेट कर सकते हो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड पासिंग और प्रॉपर्टी पर की स्विच मिल जाते हैं नीचे में आप टर्न इंडिकेटर और यहाँ पे आप हॉन की स्विच को देख सकते हो क्रोम के फिर इसके साथ कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इसका वारंट देखने को मिल जाता है और कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इसका हैंडल बार दिया गया है दूसरी ओर चले तो रेड कलर का यहाँ पे आप इंजन किल और सेल्फ स्टार्ट की स्विच को देख सकते हो और नीचे में आपको हजार लाइट की स्विच देखने को मिल जाती है ये सेम आपको क्लासिक 350 वाले दिए गए बाकी अगर इसके कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेमी डिजिटल टाइप के आपको मीटर कंसोल दिए गए हैं स्पीडोमीटर यहाँ पे आपको एनालॉग में दिया गया जिसके ऊपर आप देख सकते हो क्रोम के ट्रीटमेंट आपको मिल जाती है गेयर न्यूट्रल की वार्निंग देख सकते हो लो फ्यूल अलर्ट आपको मिल जाता है चेक इंजन की लाइट ए की लाइट और यहाँ पे आपको लो बैटरी अलर्ट देखने को मिल जाता है बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फ्यूल गॉज दिया गया है ट्रिप ए ट्रिप भी आपको देखने को मिल जाती है ओडोमीटर देख सकते हो इको मोड आपको देखने को मिल जाता है और इस साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो रॉयल इनफील्ड बुलेट थ्री फिफ्टी की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है जिसमें कि आप जीपीएस लगवा सकते हो जो कि एक एसेसरीज का पार्ट है बाकी दोस्तों यहाँ से आप इसका साइड व्यू मिरर देख सकते हो राउंड शेप का मिल जाता है फ्रंट की ओर चले तो यहाँ से आप इस बाइक का पूरा फ्रंट का भी चेकआउट कर सकते हो जो कि पहले से पूरी तरीके से बदल चुकी है हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टी रिफ्लेक्टेड हेलोजन हेडलैम्प सेटअप मिल जाते हैं लो बीम और हाई बीम के साथ जिसमें कि आप रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग को देख सकते हो और ऊपर से काफ़ी खूबसूरत आपको क्रोम के ट्रीटमेंट देखने को मिल जाते हैं और दो छोटे छोटे यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब के पायलट लैम्प दिए गए जिसकी रोशनी को यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ भी आपको क्रोम की टच देखने को मिल जाती है सामने से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर प्लेट लगाने की आपको जगह देखने को मिल जाती है बल्ब के यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं ये आपको नॉन फ्लेक्सिबल दिया गया है जिसकी रोशनी को यहाँ पे आप देख सकते हो इसके भी पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोम का फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और दोस्तों अगर इसके फ्रंट वाले सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंसन दिए गए सैंतीस एम एम के फ्रंट वाला मॉडर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि काफी वाइड दिया गया फुल मेटल बॉडी के साथ और सस्पेंशन के दोनों ओर कंपनी ने यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर प्रोवाइड कराए

तो so विथ आपको सात सौ पचास एम एम का दिया गया लेंथ आपको बारह सौ पच्चीस एम एम की मिल जाती है व्हील बेस आपको तेरह सौ नब्बे एम एम के दिए गए एक सौ पंचानवे के जी के आपको कर वेट देखने को मिल जाते हैं सिंगल सीट के साथ ये बाइक आती है सबसे अच्छी बात दोस्तों अब इसकी कुशन पहले से काफी सॉफ्ट हो गई है पिलियन और राइडर दोनों के लिए आठ सौ पाँच एम एम का आपको हाइट मिल जाता है और यहाँ पे आप इसका ग्रैब हैंडल देख सकते हो जो कि ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिश के साथ दिया गया है पीछे की ओर यहाँ पे आप देख सकते हो रॉयल इनफील्ड की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है तो चलिए अब मैं आपको इसके बैक लाइट की रोशनी को चेकआउट करा देता हूँ तो यहाँ से आप इसकी बैक लाइट की रोशनी को देख सकते हो ये सेम आपको क्लासिक थ्री फिफ्टी वाले देखने को मिल जाते हैं यहाँ भी आप देख सकते हो क्रोम की फिनिश आपको देखने को मिल जाती है बल्ब के यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है नंबर प्लेट लगाने की यहाँ पे आप जगह देख सकते हो और दोस्तों इसके मॉडगार्ड को पहले से काफ़ी उठा दिया गया है क्लासिक 350 में भी आपको थोड़ा सा नीचे मिलता है लेकिन स्टैंडर्ड 350 में आपको काफ़ी ऊपर इसका रेयर वाला मडगार्ड देखने को मिल जाता है और एक सौ बीस सत्तर अठारह के यहाँ पे आपको ट्यूब वाले टायर मिल जाते हैं इसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता अठारह इंचस का यहाँ पे आप स्पोक व्हील देख सकते हो टायर की पैटर्न को यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिया गया और इसके रेयर में यहाँ पे आपको दो सौ सत्तर डायमीटर के आपको डिस्क ब्रेक दिए गए बाइबरी का यहाँ पे आप कैलिपर देख सकते हो एक जॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत आपको मिल जाता है क्रोम के फिनिश के साथ में और पिलियन का यहाँ पे आप एडजस्टेबल फूट पैक देख सकते हो साइड पैनल की ओर चले दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो बुलेट 350 की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा है लॉकर यहाँ पे आप इसका देख सकते हो ये वाला पार्ट आपको फुल मेटल बॉडी का देखने को मिल जाता है इंजन वॉल कैप देख सकते हो रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग आपको इसके इंजन पे दी गई है राइडर का फुट पैक देख सकते हो यहाँ पे आपको इसका ब्रेक पैड दिया गया है इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप इसका स्पार्क प्लग देख सकते हो ऑक्सीजन सेंसर आपको देखने को मिल जाता है सिंगल पीस हॉर्न के साथ ये बाइक आती है यहाँ पे आप इसका मॉड गार्ड देख सकते हो क्रैश गार्ड यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि क्रोम के फिनिश के साथ दिया गया है तो चलिए फाइनली अब बात करें इसके इंजन और पावर की तो इस बाइक में आपको मिलता है थ्री फोर्टी सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड वाइल कोल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन ये इंजन मैक्सिमम पावर जनरेट करता है बीस दशमलव का इकसठ सौ पे और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है सत्ताईस एन का 4000 हजार पे और अगर इसकी माइलेज की बात करें जो कि आपके चलाने पे डिपेंड करती है फिर भी अगर आप इस बाइक को अच्छे से चलाते हो तो 30 से 35 के एम की माइलेज निकाल करके दे देती है और टॉप स्पीड आपको 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास का देखने को मिल जाता है दूसरी ओर दोस्तों यहाँ पर आप इसका गियर देख सकते हो फाइव स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है राइडर का यहाँ पर आप फुट पैक देख सकते हो इंजन पर यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग दी गई है साइड स्टैंड कॉटअप जैसे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे आप इसका सेंटर स्टैंड भी देख सकते हो और इस साइड से भी यहाँ पे आप देख सकते हो साइड पैनल पे आपको बुलेट 350 की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है क्रोम के फिनिश के साथ में यहाँ पे आप इसका लॉकर देख सकते हो मेटल बॉडी आपको देखने को मिल जाता है पिलियन का यहाँ पे आप फुट पैक देख सकते हो ये आपको एडजस्टेबल दिया गया बाकी दोस्तों ओपन चैन सेट की कवरिंग आपको देखने को मिल जाती है फाइबर बॉडी के साथ में लेडी के के सेफ्टी लिए पे आप इसका सारी देख सकते हो जो कि काफी बड़ा दिया गया है और यहाँ पे आपको एक हुक दिया गया जिससे कि आप गाड़ी को इधर उधर घसका सकते हो जैसा कि इसमें काफी वेट आपको देखने को मिल जाता है तो चलिए अब मैं आपको इसके एग्जॉस्ट और इसके मेन हेडलाइट की रोशनी को आपको चेकआउट करा देता हूं तो दोस्तों यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट के नोट को सुन सकते हो आप इसके इंजन की आवाज को सुन सकते हो आगे, सकते आगे की ओर चले तो यहाँ से इसकी मेन हेडलाइट की रोशनी को देख सकते हो लो बीम और हाई बीम के साथ इसमें आपको हेलोजन बल्ब दिया गया है इसकी नाइट की विजिबिलिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है तो चलिए अब करते हैं इसके इंजन को ऑफ और बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की तो अभी जो इसकी एक्स शोरूम कीमत निकल के आ रही हुआ है 197436 रुपए ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको दी है गौतम मोटर हंसा कॉम्प्लेक्स मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर स्थित शोरूम में दोस्तों अगर आप लोग मुजफ्फरपुर से या आसपास के किसी भी सिटी से तो इस शोरूम में आप विजिट कर सकते हो रॉयल एनफील्ड के किसी बाइक का ड्राइव भेज सकते हो अगर आप भी अपने सिटी के ऑन रोड पर ही चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में अपने सिटी का नाम लिख करके भेज सकते हो तो थैंक यू दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा वीडियो पसंद आई हो हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जी टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जय हिंद जय भारत